नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है। राजस्थान ने गेंदबाजी का निर्णय किया, जिसके बाद गुजरात ने 20 ओवर में 192 रन बनाकर के 193 का लक्ष्य राजस्थान को दिया। और आपको बता दें कि राजस्थान की टीम से जहां एक और जोस बटलर ने शुरुआत बेहतरीन की और चौके छक्के लगाने शुरू किए, वहीं देवदत्त पडिक्कल जब अपनी पहली गेंद खेल रहे थे तब उन्हें डेब्यूटेंट यश दयाल ने पहली गेंद पर पवेलियन की राह दिखा दी। आपको बता दें कि देवदत्त पडिक्कल को यश दयाल ने शुभमन गिल के हाथों स्लिप में कैच आउट करवाया और देवदत्त पडिक्कल पहली गेंद पर डक आउट होकर के पवेलियन वापस लौट गए। यश दयाल की बात करें तो यश दयाल जिस वक्त ओवर डाल रहे थे तब उनकी शुरुआती 5 गेंदों पर 15 रन आ चुके थे। जॉस बटलर ने उनकी पहली गेंद पर चौका लगाया, दूसरी गेंद डॉट रही, तीसरी गेंद पर फिर चौका और चौथी गेंद पर छक्का लगा करके पांचवी गेंद पर सिंगल लेकर देवदत्त पडिक्कल को स्ट्राइक दी और देवदत्त पडिक्कल ने अपनी पहली गेंद पर अपना विकेट गंवा दिया। आपको बता दें कि देवदत्त पडिक्कल IPL में तीसरी बार जीरो पर यानी कि डक आउट हुए हैं और साथ ही साथ जब यश दयाल ने विकेट लिया तब गुजरात टाइटंस ने भी खुद उनका स्वागत ट्विटर पर किया। यश दयाल के बारे में गुजरात टाइटंस ने ट्वीट किया कि आपका टाटा IPL में स्वागत है यश दयाल, और साथ ही फैंस ने भी ट्विटर पर यश दयाल की तारीफ करना शुरू कर दिया। आप क्या कुछ सोचते हैं इस विकेट के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वन इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।